सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी जी हमारे साथ हैं, जो आज यहाँ इस डासना के मंदिर में सनातन धर्म ग्रहण करने जा रहे हैं। सर, इसकी वजह क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा। देखिए, आज बाबरी कब्जा आज के दिन अयोध्या से मुक्त हुआ था और यहीं से हमारा झगड़ा शुरू हुआ था। राम मंदिर को लेकर हमको पहली बार इस्लाम से निकाला गया जब हमने मंदिर की पैरवी की, जब हम राम मंदिर दर्शन पे गए। उसके बाद फिर कुरान में जो आयते काफिरों के खिलाफ हैं उसको हटाने की हमने बात की। उसके बाद फिर हमने मोहम्मद के चरित्र पर एक किताब लिखी जिसको लेकर हर फ्राइडे को हमारा और स्वामी जी की गर्दन काटने पर जो इनाम रखा था, हर जुमे की नमाज के बाद उसको बढ़ा दिया जाता है और पुतले जलाए जाते हैं। मुझको इस्लाम से निकाल दिया गया, खारिज कर दिया गया। तो उनके हिसाब से अब हम किसी धर्म में तो है नहीं, क्योंकि हमको इस्लाम से निकाल दिया गया। मेरी जो कब्र थी वो भी तोड़ दी गई, ये भी ऐलान कर दिया गया कब्र हम देंगे नहीं। तो हम स्वतंत्र हैं कि हम किस तरह से ईश्वर अल्लाह की प्रार्थना करें। इंसानियत में के दायरे में रहते हुए हमने सनातन धर्म को आज एक्सेप्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दुनिया में सनातन धर्म से अच्छा कोई दूसरा मजहब नहीं है। कोई ना दबाव है ना कोई लालच है। मैंने सब धर्मों के बारे में पढ़ा है। इस्लाम से मुझे निकाला गया है सिर्फ इस वजह से कि मैंने इस्लाम की उन चीजों पर सवाल खड़े किए कि जो कि फैक्ट्स हैं, तो वो जवाब नहीं देना जानते तो उन्हीं ने हमें निकाल दिया। तो जब तुमने निकाल दिया तो हम स्वतंत्र हैं। अब हम आज के वक्त में तो किसी धर्म में तो है नहीं। भाई, मैं मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ था और तुमने हमको निकाल दिया। तो जब निकाल दिया तो अब हमने दुनिया का हमने पढ़ा कि सनातन धर्म एक सबसे अच्छा मजहब है। और दूसरी चीज ये है कि एक शांति प्रिय लोग, ऐसे लोग जो इंसानियत को अपना आदर्श मानते हो, वो इस धर्म में पाए जाते हैं। तो मैंने कबूल करने के लिए आज कह दिया कि मैं सनातन धर्म में शामिल हूँ। सिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी को आप देख सकते हैं कि डासना के मंदिर में वो शिवलिंग पे दूध अर्पण कर रहे हैं। इसके पहले उन्होंने डासना देवी के मंदिर में, यानी कि काली देवी के मंदिर में पूजा की। पूजा अर्चना करीब आधे घंटे तक चली। उसके बाद अगली प्रक्रिया है, देखिए, विधिवत एक चूनर जो दी गई है वो गले में है, धोती पहने हैं और सफेद वस्त्र में। ये अब जो अनुष्ठान है, धार्मिक अनुष्ठान, उसको कर रहे हैं। इसके बाद इनको एक जो यहाँ पे महामंडलेश्वर इस मंदिर के यति जो नरसिम्हानंद सरस्वती हैं वो एक नाम देंगे। और उन्होंने घोषणा की है कि इन्होंने उन्हें बाकायदे अपने परिवार में का सदस्य मानेंगे, अपने परिवार में शामिल किया जाएगा। और देखिए कि ये जो परंपरा है ये निर्वाह कर रहे हैं। और एक तरह से हिंदू धर्म में जो शामिल होने की जो प्रक्रियाएं हैं, जो संस्कार हैं, उसको ये इन ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के बीच ये कराया जा रहा है। और अब इसके बाद एक हवन पूजा का भी प्रोग्राम है। उसके बाद थोड़ा ये लंबा चलेगा प्रोग्राम, और जहाँ तक अभी ये प्रक्रिया चल रही है इसके बाद और भी कई प्रक्रियाएं चलेंगी। और वसीम रिजवी का धर्म में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में विधिवत तौर पर पूरे विधि विधान से उनको शामिल किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट पंकज के साथ अखिलेश राय, रिपब्लिक भारत।